नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं वायोआर बस एनओटी यॉर्क शिरे वर्सेस नॉटिंघम शिरे के बीच में जो आज का T20 ब्लास्ट का मैच खिलाना है उसकी, और क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या मेरी टीम रहने वाली है इस मैच में, और क्या होने वाला है आज के मैच में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और भाई मतलब T20 ब्लास्ट यार जब से स्टार्ट हुआ है आपके भाई ने हर एक मैच में धमाका कर रहा है। और यार कल तो जिस मैच की मैंने आपको वीडियो दी थी एक तरफा जा रहा था यार, 50 कॉन्टेस्ट लगा के रखे थे मैंने, एक तरफा जा रहे थे पूरे, लेकिन पानी की वजह से मैच एबोंडेड हो गया। पानी गिर रहा है यार कुछ कुछ मैचों में, तो उससे क्या है कुछ कुछ मैच एबोंडेड हो रहे हैं। और कल अच्छा खासा मैच जा रहा था लेकिन पानी की वजह से एबोंडेड हो गया, उसके मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा इस वीडियो में। बाकी परसों के दिन से एक दिन पहले आपके भाई ने अभी मार्च से मतलब 3 दिन पहले मेगा ग्रैंड लीग्स मारी थी T20 ब्लास्ट में। और भाई जब से यार मतलब स्टार्ट हुआ आपके भाई ने तो यार हर मैच में मतलब एक तरफा यार एक तरफा गया है मेरा। एक T20 ब्लास्ट अभी तक के जितने भी मैच हुए सब एक तरफा गए। अगर आपको मेरी बातों पे डाउट लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लो, रिजल्ट देखना, उसके बाद में ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं अपन आज के मैच की, कि आज के मैच में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। लीड्स के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा और भाई यहाँ की जो पिच बैलेंस रहती है थोड़ा ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज रहता है, स्पिनरों की थोड़ी अच्छी खासी पिटाई भी हो जाती है, स्पिनरों को थोड़ा कम एडवांटेज रहता है। तो फास्ट बॉलर को आपको लेके चलना है इस मैच में, और एक हाथ दो स्पिनर भी ले लेना, वो मैं आपको बता दूँगा कौन से स्पिनर होंगे वो। बाकी भाई फास्ट बॉलर को पिच सूट करती है और थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहता है। 180-190 रन आपको फर्स्ट इनिंग में बनते हुए दिखाई देंगे, तो एवरेज स्कोर है 180, तो बल्लेबाजों को भी अच्छा खासा सूट करेगा, है ना। तो बल्लेबाज भी कौन से लेना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब बात कर लेते अपन टीम की, क्या मेरी टीम रहने वाली है। तो सीधे चलते अपन ड्रीम इलेवन पे, वहीं से मैं आपको अपनी टीम बना के बता दूंगा। स्मॉल लीग की टीम मैं आपको बता दूंगा, बाकी ग्रैंड लीग्स के जो प्लेयर हैं उनके बारे में भी आपको समझा दूंगा। आगे हूँ मैं, बाकी भाई दिखाया था मैं आपको कल जो मैच था यार, क्या बोलूँ यार, कौन सा मैच था जाना, देखो एबोंडेड हो गया, 50 कॉन्टेस्ट लगे थे भाई, 50 कॉन्टेस्ट यार वो पूरे एक तरफा जा रहा था। देखो यहाँ से नेसर मेरा यार 2 विकेट ले चुका था, 20% सिलेक्शन था। और देखो टीम देखो मेरी, लबुशेन वाइस कैप्टन था, और यहाँ से अभी कुक की बैटिंग और नॉर्थ ईस्ट और कार्लसन, नॉर्थ ईस्ट तो बैटिंग स्ट्राइक पे था ही, सेकेंड इनिंग स्टार्ट ही हुई थी, उसके बाद में क्या कुक आता और कार्लसन आता, लबुशेन आता, पूरी बैटिंग भी थी मेरे पास में और यहाँ से मेन बॉलर भी थे मेरे पास में सूर्य की टीम से। बहुत शानदार मैच चल रहा था यार, पर पानी की वजह से बॉन्डेड हो गया। चलो खैर कोई नहीं, आज अपन धमाका कर देंगे, आज कल का बदला निकाल लेंगे अपन पानी से। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या मेरी टीम रहने वाली है आज के मैच में। टीम मैंने बना के रखी ऑलरेडी, अब आपको समझा देता हूँ कि भाई किस प्लेयर को मैं क्यों ले रहा हूँ। विकेटकीपर से सबसे पहले आ जाते हैं विकेटकीपर सेक्शन में। विकेटकीपर सेक्शन में टॉम मूर से, और यहाँ से टटर सोल है। हाँ तो भाई एक ही अच्छा रहेगा यार, जो भी है टॉम मूर्स यार विकेट कीपरिंग भी करेगा और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा, तो भाई मैं तो मूर्स के साथ जाऊंगा। अगर आप चाहो तो किसी और के साथ भी जा सकते, दो ही विकेट कीपर खेलेंगे, मूर्स को मैं लेने वाला हूँ। अब आता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन में एलेक्स हेल से, डेविड मलान शायद ही खेले, एडम ली थे, एच ब्रूक है, बेन डकेट है, और यहाँ से जोई रूट, करुणा रत्ने, बैलेंस ये सब नहीं खेलने वाले। जे क्लार्क खेलेगा, विल फ्रेन खेलेगा, और यहाँ से फिन एलेन खेलेगा।
फिर एलन ओपनिंग कर रहा है, लास्ट मैच में खेला था, अच्छा अच्छा गया था भाई उसका, 30 या 35 रन बनाए थे। चलो अब बात कर लेते हैं भाई, मैं बैटिंग सेक्शन से किस किस को लेने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। एलेक्स हेल्स को लूँगा, एलेक्स हेल्स भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो, खेलता है तो लंबी नहीं खेलता, बाकी इतना तो काम कर ही देता है कि ड्रीम टीम में आ जाए। ठीक है, तो एलेक्स हेल्स मेरी टीम में रहेगा। फेवियन आलेन को मैं, फिन आलेन को मैं लेने वाला हूँ, ओपनिंग करेगा और भाई अच्छा बल्लेबाज है, अटैकिंग बल्लेबाज है, आता है चौके छक्के मारता है, कम बॉलों में ही ज़्यादा रन बना के चला जाता है, 20 बॉल खेलनी मतलब 50 बना दी ऐसा खेलता है। ठीक है, और अब यहाँ से एडम ली थे, एज ब्रूक है, बेन डकेट है, भाई ये देखो यहाँ से एज ब्रूक बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बैटिंग ऑर्डर डाउन है पर प्लेयर बहुत अच्छा है, एडम लीथ भी अच्छा है, पर एडम लीथ को मैं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बेन डकेट को भी मैं छोड़ रहा हूँ, चाहो तो बेन डकेट को ट्राई कर लेना भाई, बेन डकेट इस मैच में अच्छा रहेगा, क्यों अच्छा रहेगा क्योंकि YOR की जो टीम है उसमें ऑफ स्पिनर नहीं है, तो बेन डकेट लंबी इनिंग खेल सकता है, ध्यान रखना। और यहाँ से जे क्लार्क राइट हैंडर है और YOR की टीम में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं है, तो जे क्लार्क भी अच्छा रहने वाला है इस मैच में। मैं बताया था आपको मैं किसको लेने वाला हूँ, एडम लीथ, एज ब्रूक, बेन डकेट और जे क्लार्क में से मैं लूँगा भाई जे क्लार्क को। जे क्लार्क ओपनिंग करेगा और भाई कैचिंग बहुत जाते हैं बंदे के पास में, कैचिंग के भी आपको पॉइंट दिलाएगा और ओपनिंग करेगा एलेक्स हेल्स के साथ में, तो अच्छा रहेगा इस मैच में। बाकी यहाँ से फिन एलन भी ओपनिंग करेगा और भाई अटैकिंग बल्लेबाजी, मान के चलो अगर 20 बॉल खेल ली ना तो 50 रन आपको बना के दे देगा। एडम लीथ को इसलिए नहीं ले रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि NOT की जो टीम है ना उसमें एम कार्टर ऑफ स्पिनर है और शुरू में ही 4 ओवर बॉलिंग डालता है, और उस कंडीशन में क्या रहेगा, एडम लीथ ओपनिंग करता है YOR की टीम से तो ओपनिंग बल्लेबाज रहेगा, वहाँ से ओपनिंग बॉलर कौन है, ऑफ स्पिनर मैथ्यू कार्टर, तो वो आउट कर देगा। ठीक है, आउट कर देगा या फिर आउट कर सकता है, इतना ध्यान रखना, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एडम लीथ को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एज ब्रूक का बैटिंग ऑर्डर डाउन है इसलिए ले नहीं रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ से वेन डकेट को अगर आप चाहो तो जे क्लार्क की जगह पे ले सकते हो। ठीक है, वेन डकेट अच्छा रहेगा, वेन डकेट एज ब्रूक भाई इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे प्लेयर है ये और मारते हैं, यानी एज ब्रूक तो मारता ही मारता है। तो भाई यहाँ से मैं अभी 3 बल्लेबाज 1 विकेटकीपर ले रहा हूँ, अब आया था मैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में समित पटेल है, डेनियल किशन है, डेविड विले है, शादाब खान नहीं खेलेगा, जॉर्डन थॉमसन है, मुलेनी है, और यहाँ से एम रेविस है, हैरिसन है, डोमिनिक ड्रिक्स है। अब मैं बताता हूँ आपको मैं किस किस को लेने वाला हूँ। समित पटेल को लेने वाला हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और भाई ये बंदा यार बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट लेता है समित पटेल। यार T20 ब्लास्ट हो, लंका प्रीमियर लीग हो, या फिर CPL हो, या फिर PSL हो, इन टूर्नामेंटों में यार बहुत अच्छा करता है, हर टूर्नामेंट में विकेट लेता है, और यार कप्तान वाइस कप्तान भी आप इसको बिल्कुल बना सकते हो। समित पटेल अच्छा प्लेयर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, 4th नंबर पर बल्लेबाजी करके देगा आपको, 2 विकेट जैसे गिरेंगे समित पटेल आ जाएगा और पूरे 4 ओवर आपको गेंदबाजी डाल के देगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर है और क्या है YOR की टीम में राइट हैंडर्स भी हैं कुछ, तो उनके सामने बॉलिंग डालेगा और विकेट लेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ले लेना ध्यान से भाई, मैं तो लूँगा। डेविड विले को मैं लेने वाला हूँ, डेविड विले 1 डाउन बैटिंग करेगा और पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करेगा, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी अच्छा रहेगा। जॉर्डन थॉमसन भाई डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करता है, जॉर्डन थॉमसन को भी मैं लेने वाला हूँ। थॉमसन हर मैच में यार 2-2, 3-3 विकेट लेके जाता है, T20 ब्लास्ट में तो यार सुपर रहता है बंदे का परफॉर्म, लास्ट सीजन भी जब हुआ था तो हर मैच में कैप्टन बनता था, और यहाँ भी जब से खेल रहा है हर मैच में कैप्टन बनाया, देखो आप। और भाई मैंने तो यार हर मैच में कैप्टन बनाया, देखो आप, भले 10 पॉइंट लिए तो उस दिन भी मेरा कैप्टन था, बाकी जिस दिन 144 लिए वो उस दिन भी मेरा कैप्टन था, हर मैच में ही कैप्टन बनाया बस एक मैच छोड़ के। ठीक है, और जिसमें फ्लॉप हुआ था उसमें भी ड्रीम टीम में आया था, तो जॉर्डन थॉमसन तो मेरी टीम में रहेगा।
डोमिनिक ड्रिक्स भाई, डोमिनिक ड्रिक्स लिपटार फास्ट बॉलर, दे तो बस बॉलिंग डालेगा और बल्लेबाजी अगर आ जाएगी तो बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा करके दे देगा। अच्छा ऑलराउंडर है। CPL का फाइनल जब हुआ था लास्ट ईयर, तो भाई फाइनल में यार मैच विनिंग इनिंग खेली थी, 70-80 रन बनाए थे और विकेट भी लेके गया था। तो अच्छा ऑलराउंडर है, मैं तो लेने वाला हूँ। IPL में पता नहीं यार ऐसे प्लेयर की कदर ही नहीं। सेम कुरेन हुआ, डोमिनिक ड्रिक्स को एक मौका नहीं मिला। चलो ठीक है, जान दो वो तो, कुछ बात नहीं करना मेरे को। इन चारों ऑलराउंडर के साथ में जाने वाला हूँ। अब मैं आ जाता हूँ बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में बताता हूँ आपको मैं किस किस को लेने वाला हूँ। आदिल राशिद खेलेगा, लुक प्लेचर खेलेगा नहीं खेलेगा कन्फर्म नहीं है अभी। खेलेगा तो ले लेना, बिल्कुल ले लेना। जेम्स पिटिंसन खेलेगा, पिटिंसन भाई दे तो ओवर्स में बॉलिंग डालता है। और यहाँ से जे बॉल भी दे तो ओवर्स में बॉलिंग डालेगा और शुरू में दो ओवर डालेगा। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को तो मैं लूँगा ही लूँगा, पैटिंसन और जे बॉल। और क्या है भाई, थोड़ा सा NOT टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही, तो उनके बॉलर्स मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि भाई जो टीम स्ट्रॉन्ग रहती है वो टीम मैच जीतती है, और जाहिर सी बात है उसके बॉलर विकेट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जेम्स पैटिंसन और यहाँ से जे बॉल दोनों को मैं लेने वाला हूँ। आदिल राशिद को भाई इस मैच में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो बिल्कुल ले लो, पर मैं नहीं लूँगा। हारिस राउत नहीं खेलेगा। एम वेट खेल सकता है, खेलेगा तो ले लेना भाई, अच्छा प्लेयर है ये। ठीक है, और यहाँ से चेपल लास्ट मैच नहीं खेला था, बाकी उससे पहले वाला मैच खेला था और भाई 85 पॉइंट लिए थे और मैं लेके आया था। 3% सिलेक्शन था उस दिन, फिर भी मैं लेके आया था। और बाकी यहाँ से एम कार्टर, हाँ मैंने बताया था आपको एडम लीथ का विकेट ले सकता है, इसलिए मैं एम कार्टर को ले रहा हूँ। एम कार्टर ही यहाँ से सबसे सही रहेगा। और अगर यहाँ से देखो भाई, कोई फास्ट बॉलर अगर खेलता है, जैसे एम फ्रेशर हुआ, पीटरसन हुआ, या फिर क्या बोलते हैं ये वेट या चेपेल, इन अगर ये लोग इनमें से कोई भी एक फास्ट बॉलर अगर खेलता है तो मैं एम कार्टर की जगह उसको ले लूँगा। ठीक है, तो भाई मैंने टीम बना ली अपनी, ये मेरी टीम रहने वाली इस मुल्लिक की। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। भाई इस मैच में मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ डेविड विले को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करेगा, 1 डाउन बैटिंग पे आ जाएगा। भाई इतना मौका मिलेगा तो यार बंदा बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से, दोनों में से एक जगह से या फिर दोनों ही जगह से पॉइंट ले सकता है, इसलिए डेविड विले मेरा कैप्टन रहेगा। वॉइस कैप्टन अगर आप चाहो तो समित पटेल को बना सकते हो, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी प्लस पूरे 4 ओवर डालेगा, तो आप चाहो तो वॉइस कैप्टन या फिर कैप्टन भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से एलेक्स हेल्स को भी बना सकते हो, एलेक्स हेल्स भी बहुत अच्छा है। पर मैं बनाने वाला हूँ जॉर्डन थॉमसन को वॉइस कैप्टन। जॉर्डन थॉमसन भाई हर मैच में विकेट लेता है और इस मैच में बैटिंग आएगी, ठीक है कन्फर्म है बैटिंग आएगी, क्योंकि NOT की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो विकेट जरूर गिरेंगे। वायो आर के विकेट गिरेंगे तो बैटिंग आएगी जॉर्डन थॉमसन की। ठीक है, तो इसलिए बैटिंग भी आएगी, बॉलिंग भी करेगा पूरे 4 ओवर, तो भाई इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो भाई ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसकी फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और हाँ भाइयों, कभी कभी क्या है लिंक वर्क नहीं करती, तो उस कंडीशन पे आप टेलीग्राम पे @SMSH ठाकरे सर्च कर लेना। ध्यान रखना कि लिंक यही होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देते हो या फिर जैसे कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो आपको मेरा चैनल नहीं मिलेगा। और कोशिश करना कि जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है उसी के थ्रू आप ज्वाइन करो, लिंक पे टच करो डायरेक्ट आप चैनल में आ जाओगे। ठीक है, और भाई T20 ब्लास्ट के यार जितने भी मैच होते हैं पर डे मैं सब कवर करता हूँ, और T20 ब्लास्ट के अभी जो भी डोमेस्टिक मैच चल रहे हैं सब खेल रहा हूँ, मैं सब कवर कर रहा हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और भाई अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, कल से श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मैच है और भाई वो बहुत ज़बरदस्त जाएंगे अपने, कोलंबो के ग्राउंड पे मैच है और वहाँ पे भाई मैंने बहुत, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, लंका प्रीमियर लीग जब हुई थी ना वो पूरे कोलंबो पे मैच थे भाई, एक एक मैच में 10-10 लाख रुपये। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और कल से उसी ग्राउंड पे मैच स्टार्ट हो रहे हैं श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के। तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली मैच प्रिडिक्शन वीडियोस देता हूँ मैं, और भाई मेरा प्रिडिक्शन 100 में से 80% मैचों में परफेक्ट रहता है। तो अगर आपको डेली मैच प्रिडिक्शन वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, परफेक्ट प्रिडिक्शन देगा आपका भाई। क्योंकि भाई देखो, मेरा CPL, PSL और लंका प्रीमियर लीग, BBL, ये सब वन साइडेड जाता है, पूरा वन साइडेड जाता है। और जो अभी सीरीज स्टार्ट होगी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की, उसमें आप देखना, उसके बाद में ज्वाइन करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मतलब। और भाई बहुत ज़बरदस्त जाता हो तो बाकी भाई इस चैनल का सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि भाई हर कहीं जाओगे आप, कुछ का कुछ आपको पता चलेगा। पिच रिपोर्ट उनको पता होता है, रहती नहीं है, क्योंकि भाई देखो मैं तो मैच खेलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपके भाई ने यार क्या बोलूँ मैं आपको, आप टेलीग्राम चैनल पे आना, पता चल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम पे जाके देखो, 88 ग्रैंड लीग्स विन कर चुका है आपका भाई, 88, ठीक है। तो भाई वो मैंने आपको बता ही दिया, टीम मेरी ये है, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उसकी फाइनल अपडेट आपको कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ज्वाइन जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ही लो, आप बेल आइकन को प्रेस कर लो। और धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग हो।